टेक्निकल क्यू चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट अपडेट हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कबीर और आप देख रहे हैं टेक्निकल क्यू। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी फोल्ड लॉन्च इवेंट के हवाले से। दोस्तों काफ़ी दिनों से गैलेक्सी फोल्ड के हवाले से बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। पहले तो काफ़ी सारा इंतज़ार कर रहे थे कि जी इतना खूबसूरत है, सबने उसकी तारीफ़ें भी बहुत की और अभी काफ़ी सारे लोगों ने उसकी अनबॉक्सिंग भी की कि जी गैलेक्सी क्या कमाल है, ये है वो है। वाकई में था भी सही, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बताता हूँ आपको मुकम्मल डिटेल और दिखाता भी हूँ दोस्तों। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं गैलेक्सी फोल्ड के लॉन्च इवेंट के हवाले से, क्योंकि लॉन्च इवेंट होना था 24 अप्रैल को। दोस्तों जैसे गैलेक्सी फोल्ड के अंदर ये बहुत सारे इश्यूज आ गए, आने से पहले ही सिर्फ अनबॉक्सिंग होने के बाद ही ये क्रीज स्क्रीन के अंदर आना, फिर एक तरफ डिस्प्ले का जो है वो होना, ये सारा कुछ की वजह से कर दिया है लॉन्च इवेंट कैंसिल। क्योंकि कभी भी गैलेक्सी ये नहीं चाहता, सैमसंग ये नहीं चाहता कि उनके किसी भी प्रोडक्ट की वजह से वो ऐसा बदनामी का बायस बने कि वो लोग उसको पसंद करना छोड़ दें या लेना ही छोड़ दें। तो इस वजह से वो दोबारा से उन्होंने ये फैसला किया कि इस पे मुकम्मल तौर पे दोबारा से रीचेक करेंगे कि आया ये किस वजह से है। क्योंकि सिर्फ एक इशू होता तो अलग बात थी। सबसे पहला इशू कि एक साइड डिस्प्ले की कभी दूसरी साइड कभी कैसे कभी कैसे, मतलब ये, और उन्होंने मना किया था कि भाई इसके ऊपर से जो है प्रोटेक्टर ना हटाना, लेकिन लोगों ने प्रोटेक्टर हटा दिया और अगर ना भी हटाते तो भी वो हट जाता। तो ये एक तीसरा इशू था, क्रीज का चौथा इशू था, और जो मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि भाई डस्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और उन्होंने अब खुद इस चीज़ का इकरार किया है कि डस्ट की वजह से भी ये इश्यूज इसके अंदर आ सकते हैं। तो वो इसकी जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ, आप खुद सुन सकते हैं उनके बकौल के डस्ट भी एक इशू हो सकता है। तो दोस्तों ये जितने इश्यूज हैं इसकी वजह से 24 अप्रैल 2019 को होने वाला जो इवेंट था उन लोगों ने कैंसिल कर दिया। वो जब तक पूरा तसल्ली नहीं कर लेते वो गैलेक्सी फोल्ड को लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके लिए जैसे नोट 7 में प्रॉब्लम आया था तो इसी तरीके से कोई मसला दोबारा से हो और उनके कस्टमर ख़राब हो। क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन चल रहा है, हवा में ने पहले ही अंधिया दे दिया था, उन्होंने पहले ही अटेंशन कर दिया था कि भाई हम गैलेक्सी को जो है वो ओवरटेक करेंगे। तो अब ये बड़ा चैलेंज इनके सामने आ गया है, इस वजह से वो चाहते हैं कि चाहे इसको मुकम्मल तौर पर भी कैंसिल करना पड़े शायद वो कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये कबल अज़ वक्त होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन जितनी भी नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिलते रहेंगे। एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।